हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है और वो प्रश्न है, निम्न में से किस देश की दो महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर पवार ने एक साथ स्पेस वॉक कर इतिहास रच दिया है। ऑप्शन चार हैं, पहला अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा रूस और चौथा चीन। तो आपका आंसर नंबर ए अमेरिका सही हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें तो हाल ही में अमेरिका की दो महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर पवार ने एक साथ स्पेस वॉक कर इतिहास रच दिया है। नासा में पहली बार बिना किसी पुरुष अंतरिक्ष यात्री के दो महिला अंतरिक्ष यात्रियों की जोड़ी ने स्पेस वॉक किया है। वीडियो का दूसरा प्रश्न है और वो प्रश्न है, नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य देश का सबसे इनोवेटिव राज्य है। ऑप्शन चार हैं, पहला पंजाब, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा चेन्नई, चौथा कर्नाटक। आंसर नंबर डी कर्नाटक सही हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक राज्य देश का सबसे इनोवेटिव राज्य है। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम इनोवेटिव राज्यों में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है, किस वर्ष देश में पहला डिजिटल मॉल ऑफ एशिया लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन आपके चार हैं, 2020, दूसरा 2021, तीसरा 2022, चौथा 2023। तो ऑप्शन नंबर ए 2020 सही हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें तो वर्ष 2020 में देश में पहला डिजिटल मॉल ऑफ एशिया लॉन्च किया जाएगा। इस डिजिटल मॉल में लोग पीसी, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के जरिए घूम कर खरीदारी कर सकेंगे। यह डिजिटल मॉल चीन और जापान जैसे देशों में भी लॉन्च किया जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में बने राष्ट्रीय ध्वज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन चार है, जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा पाकिस्तान, चौथा चीन। तो आंसर नंबर डी चीन सही हो जाएगा। और भारत सरकार ने हाल ही में चीन में बने राष्ट्रीय ध्वज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुताबिक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में तय मानकों का पालन नहीं करने की वजह से राष्ट्रीय ध्वज का आयात नहीं किया जा सकेगा। पाँचवा प्रश्न है, हाल ही में किसी राज्य सरकार ने दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने की घोषणा की है। ऑप्शन चार हैं, दिल्ली सरकार, दूसरा गुजरात सरकार, तीसरा असम सरकार और चौथा हरियाणा सरकार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी असम सरकार सही हो जाएगा। असम सरकार ने हाल ही में दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि छोटे परिवार के मानक के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट 4.3 लाख रुपए प्रति किलो वाली लॉन्च की है। ऑप्शन आपके चार हैं, आईटीसी, दूसरा ऑप्शन है नेस्ले, तीसरा ऑप्शन है पार्ले, चौथा ऑप्शन है कैडबरी। तो ऑप्शन नंबर ए आईटीसी सही हो जाएगा। तो आईटीसी कंपनी ने हाल ही में दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट लॉन्च की है। इस चॉकलेट का नाम दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कंपनी ने लग्जरी ब्रांड फेवेल की रेंज में ट्रिनिटी ट्रफल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम से चॉकलेट पेश किया है। सातवां क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 14वें रैंक की छलांग के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं, 72, दूसरा दिया हुआ है 55, तीसरा दिया हुआ है 64 और चौथा दिया हुआ है 63। तो ऑप्शन नंबर 63वें स्थान पर सही हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 14 रैंक की छलांग के साथ 63वें रैंक पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष भारत 2018-19 की लिस्ट में 77वें स्थान पर था। भारत देश लगातार तीसरे वर्ष अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 10 सुधारक देशों में शामिल हुआ है। आठवां प्रश्न है, 2021 में होने वाले क्लब फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं, जापान, दूसरा दिया हुआ है भारत, तीसरा दिया हुआ है चीन, चौथा दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी चीन सही हो जाएगा। वर्ष 2021 में होने वाले क्लब फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी चीन करेगा। इस बार फीफा के मुताबिक 2021 में विश्व कप नए फॉर्मेट में टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा लेंगी। इस फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जून जुलाई महीने में होगा।
नौवां प्रश्न है, किस कंपनी के विशेषज्ञ की टीम ने एक मशीन बनाई जिसके द्वारा 200 सेकंड में वह गणना पूरी की जा सकेगी जिसमें कंप्यूटर को 10,000 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन चार दिए हैं, पहला फेसबुक, दूसरा गूगल, तीसरा दिया है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा दिया हुआ है अमेजन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गूगल सही हो जाएगा। गूगल कंपनी के विशेषज्ञों की टीम ने साइका मोर मशीन पर काम करते हुए एक मशीन बनाई है जिसके द्वारा 200 सेकंड में वह गणना पूरी की जा सकेगी जिसमें कंप्यूटर को 10,000 वर्ष लगेंगे। इस मशीन ने विश्व के अब तक की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया है। दसवां प्रश्न, अमेजन के फाउंडर एवं सीईओ जेफ बेसोफ को पीछे छोड़कर कौन एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ऑप्शन चार है बिल गेट्स, दूसरा है लॉरी पेज, तीसरा है मुकेश अंबानी, चौथा है जिम सी वॉल्टन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स सही हो जाएगा। अमेजन के फाउंडर एवं सीईओ जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। हाल ही में जेफ बेजोस की Q3 में $7 मिलियन का स्टॉक वैल्यू गिर गई है। अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कीमत फिलहाल $105.7 मिलियन है। 11वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन चार है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब, चौथा है गोवा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गोवा सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और भारत सरकार ने गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया है। साथ ही राधा कृष्ण माथुर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और करेंट अफेयर्स पिछले सप्ताह की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए थैंक यू।